हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है, मज़ेदार होने वाली है। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फटाफट से, और चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी ही, और देखते हैं आज क्या क्या एक्टिविटी होती है, और मिलते हैं जल्दी। हम रेडी हो चुके हैं और आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमारी नानी जो कि राजस्थानी कल्चर के अंदर आता है, गोबर से जो थापा जाता है वो दिखाता हूँ, देखिए कैसे थापते हैं, और आगे की एक्टिविटी और दिखाता हूँ। अभी शायद नानी बाहर ये काम कर रही है, तो और दिखाता हूँ। चलो चलते हैं, लेट्स गो, बाय। सब मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे जो कि गोबर से थापा जाता है, गोबर से थापड़े बनाते हैं गाँव में आज भी, गाय के भैंस के गोबर से जो भी इकट्ठा कर और उनसे थापड़े बनाई जाती है, जो कि आज मैं आपको दिखाता हूँ हमारे यहाँ पर गाँव में पीपलू नानी के। आज हमारी नानी भी यही काम कर रही है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको कि देखो, मतलब आज भी यहाँ पर थापी जाती है गाँव के अंदर, वरना अधिकतम शायद शहरों में तो मुझे लगता नहीं है कोई थापा जाता है यहाँ पर ऐसे गोबर से, और बहुत ही काम की चीज़ है। इससे इनको सुखाने के बाद में दाल बाटी और चूरमा ये राजस्थानी भोजन में बनाया जाता है, इसको जलाकर। और फिर चलो दिखाता हूँ थापते हुए। हमारा यहाँ पर है गोबर, इससे भी थापड़े और बनेगी, थापेंगे इनसे, थापड़े बनाएंगे, और फिर इनको बाद में सुखाने के बाद में यूज किया जाता है। यहाँ पे देखो कैसे किया जाता है, ये चीज़ आपको गांव में देखने को मिलेगी दोस्तों, और शायद लगता नहीं मुझे कि आपको शहरों में इनको देखने को मिलती होगी। और किसी के घर में ऐसा भी कार्य किया जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएगा। ऐसे थापते हैं, वाह, मतलब गांव में आज भी ये परंपरा चलती है अभी तक, जो कि गाय के और भैंस के गोबर को मिक्स करके ऐसे थापा जाता है ये गोबर के द्वारा। कितना इंटरेस्टिंग है, वरना शहरों में तो कोई करता ही नहीं आजकल ऐसे, ये सब आपको गांव में देखने को मिलेगी दोस्तों, और काम पर भी जल्दी से देखने को नहीं मिलेगी ऐसी चीज़ें। इसलिए आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आई होप आप, मुझे पता है आपको सबको विश्वास है कि आप भी इस वीडियो को शेयर करोगे, तो दोस्तों प्लीज़ कर दीजिएगा, और लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऐसी चीज़ें आपको जल्दी और मिल जाएगी। तो गाइस, आज सबने देखा था कि हमारी नानी भैंस के गाय के फोटो को मिलाकर फिर वो थाप रहे थे, जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं कंडे, जिसको अपन कंडे बोलते हैं, जो कि गाय के गोबर के बनाए जाते हैं, वो कि वो सुखाकर फिर अपन कोई भी काम में ले जा सकता है, जैसे भोग लाकर बना जाता है। तो ऐसे काफ़ी मज़ा आया आप सभी को, और ये ऐसा होना भी चाहिए, गाँव में ही देखने को मिलता है, अधिकतम शहरों में तो शायद मुझे लगता नहीं है कि देखने को मिलता होगा ऐसा कुछ। और ऐसा ही मैं आज फिर अभी आपको एक चीज़ और दिखाने जाता हूँ राजस्थान हमारे गाँव के अंदर, जो कि नाच साफ करते हैं अपने हाथों से, ऐसे अधिकतम सब रेडीमेड ही आटा लेकर आते हैं, पर हमारे यहाँ पर गेहूं का नाच, गेहूं को साफ करके फिर पिसाया जाता है चक्की पर। तो देखिए कैसे करते हैं, हमारी नानी वो कर रही है, चलो दिखाता हूँ, चलो बाय। ये देखो हमारे यहाँ पे नाली साफ किया जा रहा है, ये डल गया यहाँ पे, मामी जी भी नाच साफ कर रही है, नानी तो करती है, मामी जी कभी कभी करती है ना यार। देखो क्या तरीके से सब नाच साफ होता है, ऐसे बिना करते एक एक दाने को। अब इस कट्टे में जाकर पिसने जाएगा फिर होता है आटा। सो गाइस, आप सबने देखा था कि अभी मामी जी नानी नाच साफ कर रहे थे, तो अधिकतम ये चीज़ें सब गांवों में देखने को मिलती है, शहरों में अधिकतम रेडीमेड ही आटा लाया जाता है दुकानों से पैकेट का, जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, काफ़ी ज़्यादा मिलावटें आती है उसमें,
हमारे पास गांव में बस ये चीज़ है कि गेहूं को हाथ के द्वारा साफ कर कर ही पिसा जाता है बिन, तो वो एकदम शुद्ध रहता है और अच्छा भी रहता है। तो ये सब गांव में देखने को मिलती है। कहाँ से हो तो प्लीज़ बताएगा आप कहाँ कहाँ से हो, और आपके भी यदि घर में ऐसा होता है तो प्लीज़ बताएगा कमेंट करके कि हाँ हमारे भी यहाँ होता है और हम यहाँ से हैं, कौन से स्टेट से हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, चलो बताना प्लीज़। और यदि आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए बस। और कुछ नहीं, आप सबका प्यार ऐसा ही बना रहे, और ऐसा कुछ और डिफरेंट लाने के लिए हम तैयार हैं, बस आपका साथ चाहिए है और आपका ऐसा प्यार बना रहे। चलो मिलते हैं फिर आगे और कुछ दिखाने को।